हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री जोन बाय सिल्की अग्रवाल। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हैमंड्स पोस्टुलेट एंड दिस टॉपिक इज़ टेकन फ्रॉम फिजिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री MSc थर्ड सेमेस्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सिनॉप्सिस इन विच वी विल स्टडी इंट्रोडक्शन ऑफ हैमंड पोस्टुलेट बाय रिएक्शन कोऑर्डिनेट, इम्प्लीकेशंस ऑफ हैमंड पोस्टुलेट विच इंक्लूड क्लोरीनेशन एंड ब्रोमिनेशन, सेलेक्टिविटी ऑफ हेलोजिनेशन रिएक्शन, टाइप्स ऑफ हैमंड पोस्टुलेट विच इंक्लूड फॉर इंडिविजुअल रिएक्शन, फॉर सीरीज ऑफ एनालॉगस रिएक्शन, एग्जाम्पल, समरी, कंक्लूजन एंड रेफरेंस। फर्स्ट वी विल डिस्कस हैमंड पोस्टुलेट क्या होता है। द स्ट्रक्चर ऑफ द ट्रांजिशन स्टेट फॉर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज रेज्ड अर्ली इन द रिएक्शन, सो इट रिजेंबल्स रिएक्टेंट मोर देन प्रोडक्ट। कन्वर्सली, द स्ट्रक्चर ऑफ द ट्रांजिशन स्टेट फॉर एन एंडोथर्मिक रिएक्शन स्टेप इज रेज्ड रिलेटिवली लेट, सो इट रिजेंबल्स प्रोडक्ट मोर देन रिएक्टेंट। हैमंड पोस्टुलेट जो है वो क्या बोलता है कि जैसे दो टाइप के रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन, उसमें ट्रांजिशन स्टेट का स्ट्रक्चर जो है वो किससे रिलेट करता है, रिएक्टेंट से या फिर प्रोडक्ट से। तो वो दो टाइप के रिएक्शन के लिए ये भी तो पता होना चाहिए कि वो रिएक्शंस होते क्या हैं। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होता है जिसमें क्या होता है, एनर्जी जो है वो रिलीज़ हो रही है, और जहाँ पर भी एनर्जी रिलीज़ होती है वहाँ पर क्या होता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, एनर्जी जो एब्जॉर्ब हो रही है, और जहाँ पर भी एनर्जी एब्जॉर्ब होती है वहाँ पर क्या होता है, बॉन्ड जो है वो ब्रेक होता है। तो वैसे ही एक्सोथर्मिक रिएक्शन में मीन्स जहाँ पे एनर्जी रिलीज़ हो रही है और बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, तो जहाँ पर भी बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो उसके ट्रांजिशन स्टेट का स्ट्रक्चर जो है वो रिएक्टेंट से रिलेट करेगा, मतलब कि रिएक्टेंट के जैसा होगा। और अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है, बॉन्ड वहाँ पर क्या हो रहा है, बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, तब वहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट का स्ट्रक्चर जो है वो रिजेंबल करता है प्रोडक्ट से, रिएक्टेंट से नहीं करता, मीन्स प्रोडक्ट से ज़्यादा सिमिलर होगा। तो अभी इसी चीज़ को अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे नेक्स्ट स्लाइड से, मीन्स क्यों ऐसा होता है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में ट्रांजिशन स्टेट का स्ट्रक्चर रिएक्टेंट से रिलेट करता है, और क्यों ऐसा होता है कि एंडोथर्मिक में इस ट्रांजिशन स्टेट का स्ट्रक्चर जो है वो प्रोडक्ट से रिलेट करता है। फर्स्ट स्टेप में क्या दिया है कि ए बी है जो रिएक्टेंट है, ठीक है, सी क्या करेगा, उसके साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो सी जब बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है तो वो ए और बी के साथ कर रहा है, मींस रिएक्टेंट के साथ कर रहा है, और बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है मींस वहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है मींस एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो बॉन्ड जब फॉर्म हो रहा है तो वो किसके साथ फॉर्म हो रहा है, रिएक्टेंट के साथ फॉर्म हो रहा है ना, इसीलिए उसका ट्रांजिशन स्टेट जो है वो रिलेट करता है रिएक्टेंट से। सिमिलरली जैसे कि पॉइंट बी जो दिया है उसमें क्या हो रहा है, जो सी ए और बी है वहां से क्या हो रहा है, बी का बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो रहा है। तो वो किससे ब्रेक हो रहा है, जब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है तब वहां से बी जो है वो उसका बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, बॉन्ड ब्रेक हो रहा है मींस एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है, तो मींस एंडोथर्मिक है, इसीलिए इसका ट्रांजिशन स्टेट जो है वो रिजेंबल करता है प्रोडक्ट से, मींस एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे कि पीछे मतलब बताई थी कि एनर्जी रिलीज होगी, बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, तो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो रिएक्टेंट से ही रिजेंबल इसलिए करेगा क्योंकि वो रिएक्टेंट के साथ ही बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। और वैसे ही बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो बॉन्ड ब्रेक होगा, एंडोथर्मिक होगा, तो वो प्रोडक्ट से ही क्यों रिजेंबल करेगा, क्योंकि प्रोडक्ट का जब फॉर्मेशन हो रहा है तब वहाँ पर से क्या हो रहा है, बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो रहा है। इसीलिए जब भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा तो ट्रांजिशन स्टेट का स्ट्रक्चर जो है वो रिजेंबल करेगा रिएक्टेंट से, और एंडोथर्मिक रिएक्शन कहीं पर होगा तब वहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट का स्ट्रक्चर जो है वो रिजेंबल करता है प्रोडक्ट से। यही हैमंड पोस्टुलेट जो है वो बताता है। अंडरस्टैंडिंग हैमंड पोस्टुलेट विद द हेल्प ऑफ रिएक्शन कोऑर्डिनेट, रिएक्शन कोऑर्डिनेट के हेल्प से हैमंड पोस्टुलेट को समझेंगे। तो इसमें क्या दिया है, इन रिएक्शन वेयर द स्टार्टिंग मटेरियल इज़ हायर इन एनर्जी द ट्रांजिशन स्टेट मोर क्लोजली रिजेंबल द स्टार्टिंग मटेरियल। स्टार्टिंग मटेरियल यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है रिएक्टेंट को, तो रिएक्टेंट की अगर एनर्जी जो रहेगी वो हायर रहेगी तो ट्रांजिशन स्टेट का स्ट्रक्चर जो रहेगा वो रिजेंबल करेगा रिएक्टेंट से। जैसे कि प्रीवियस स्लाइड में स्टडी किए थे वैसे
ही सिमिलर. सेकेंड में क्या दिया, इन रिएक्शन वेयर द प्रोडक्ट इज़ हायर इन एनर्जी द ट्रांजिशन स्टेट मोर क्लोजली रिजेंबल द प्रोडक्ट. तो जैसे वह प्रीवियस स्लाइड में दिया था सेम वैसे ही दिया है कि अगर रिएक्टेंट की एनर्जी जो रहेगी वो ज़्यादा रहेगी तब वहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट का स्ट्रक्चर जो है वो रिजेंबल करेगा रिएक्टेंट से, और अगर प्रोडक्ट की एनर्जी जो रहेगी वो ज़्यादा रहेगी तब वहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट का स्ट्रक्चर जो है वो रिजेंबल करेगा प्रोडक्ट से. इम्प्लीकेशन ऑफ हैमंड्स पॉस्टुलेट. इम्प्लीकेशन मीन्स क्या होता है, फैक्टर्स. तो हैमंड पॉस्टुलेट के कुछ फैक्टर्स को स्टडी करेंगे जिसमें क्या दिया है, इन द हैलोजनेशन ऑफ एन एल्केन हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इज एक्सोथर्मिक फॉर क्लोरीनेशन बट एंडोथर्मिक फॉर ब्रोमिनेशन. तो इसमें क्या दिया हुआ है कि जब एल्केन का हैलोजनेशन कराते हैं, ठीक है, तो एल्केन का हैलोजनेशन कराते हैं तो क्या होता है, हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्शन होता है, मीन्स हाइड्रोजन को वहाँ से रिप्लेस करते हैं. तो क्लोरीनेशन के केस में ये रिएक्शन जो होगा वो एक्सोथर्मिक होता है, लेकिन ब्रोमिनेशन के लिए ये रिएक्शन जो रहेगा वो एंडोथर्मिक होगा. एक्सोथर्मिक मीन्स बॉन्ड जो, मतलब एक्सोथर्मिक मीन्स हीट एनर्जी जो रहेगी वो रिलीज होगी, एंडोथर्मिक मीन्स हीट एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब होगी. तो इसमें क्या दिया है, RH जो है वो एल्कीन ले लेते हैं, R के प्लेस में कोई भी एल्किल ग्रुप जो रहता है उसको ले सकते हैं, ठीक है. फिर यहाँ पे X2 है, तो X2 जो है वो क्या है, हैलोजन है. तो X2 जो है मींस वो X और सिंगल बॉन्ड से वो अटैच है एक दूसरे से. तब यहाँ पे क्या होगा, जब दोनों X और X के बीच में होमोलाइटिक फिशन होगा मींस क्या होगा, दोनों में जो बॉन्ड जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. तो एक सिंगल बॉन्ड है तो वो सिंगल बॉन्ड जो है वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना रहता है, मीन्स उसमें दो इलेक्ट्रॉन्स है. तो जब उसमें होमोलाइटिक फिशन होगा तो एक हैलोजन एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, एक हैलोजन एक इलेक्ट्रॉन. तो किसी भी मतलब मॉलिक्यूल में या फिर हैलोजन में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है उसी को क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल, ठीक है. तो इसमें क्या होगा, एक्स रेडिकल प्लस एक्स रेडिकल जो है वो मिलेगा, और क्या मिलेगा, एच आर जो है हमारा एल्कीन जो था वो तो वैसा ही रहेगा. अब क्या होगा, एच और आर के बीच में होमोलाइटिक फिशन होगा तो एच के साथ एक रेडिकल आएगा, आर के साथ एक रेडिकल. तो एच के साथ जो एक रेडिकल आया है वो एक्स के एक रेडिकल के साथ कंबाइन हो जाएगा, और आर के साथ जो एक रेडिकल है वो एक्स के दूसरे रेडिकल के साथ कंबाइन हो जाएगा, ठीक है. तब प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, आर एक्स प्लस एक्स एच जो है वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है. यही चीज़ टेबल में जो दिया है वो भी यही चीज़ है, रिएक्शन स्टेप. और फिर यहाँ पे है डेल जे नॉट किलो कैलोरी पर मोल में यहाँ पे उसकी एनर्जी दी हुई है. तो जैसे यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्लोरीन के साथ होगा तो वो क्या होगा, एक्सोथर्मिक, और ब्रोमीन के साथ होगा तो एंडोथर्मिक होता है. तो ऐसा क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन के लिए जो एनर्जी दी हुई है हीट एनर्जी वो स्टार्टिंग में कितनी है, 422 है. फिर रिएक्शन के बाद वो 431 हो जाती है, मीन्स एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है. एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है मीन्स वहाँ पर एनर्जी रिलीज़ हो रही है, एनर्जी रिलीज़ हो रही है, इसीलिए क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन. तो क्लोरीनेशन के केस में जब एल्केन का हैलोजिनेशन कराते हैं तो वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है. सिमिलरली वैसे ही ब्रोमीन के लिए लिए हैं तब वहाँ पे क्या हुआ है, 422 स्टार्टिंग में था, रिएक्शन कराने के बाद -368 हो गया. तब वहाँ पे क्या हो गया, एनर्जी जो है वो डिक्रीज़ हो गई मतलब कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब हुई होगी तभी डिक्रीज हुई है, और एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तब क्या होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन. इसीलिए ब्रोमिनेशन के केस में जब एल्केन का हैलोजिनेशन कराते हैं तब रिएक्शन क्या होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, ठीक है. तो यही फैक्टर जो था वो हैमंड पॉस्टुलेट जो है उसके थ्रू यही बताया गया है कि जब क्लोरीनेशन के केस में एल्केन का हैलोजिनेशन कराते हैं तो रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक होता है, और ब्रोमिनेशन के केस में कराते हैं तो एल्केन का हैलोजिनेशन जो रहता है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है. बिकॉज हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन फॉर क्लोरीनेशन इज एक्सोथर्मिक, ठीक है. इसमें क्या बोल रहा है कि हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन जो होता है क्लोरीनेशन के लिए, मीन्स क्लोरीन के लिए, वो क्या होता है, एक्सोथर्मिक है. तो एक्सोथर्मिक में क्या क्या पॉइंट्स दिए हुए थे कि एक्सोथर्मिक होगा मीन्स वहाँ पर एनर्जी जो है, हीट एनर्जी जो है वो रिलीज होगी. हीट एनर्जी रिलीज हो रही है मतलब वहाँ बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, और बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है वहाँ पर मीन्स वहाँ पर क्या होगा, ट्रांजिशन स्टेट का स्ट्रक्चर जो है वो रिजेंबल करता है रिएक्टेंट से. तो वही चीज़ यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, जैसे कि दी ट्रांजिशन स्टेट रिजेंबल्स दी एल्केन एंड अ क्लोरीन एटम. ट्रांजिशन स्टेट जो है वो रिजेंबल किससे करेगा, एल्केन और क्लोरीन एटम से, क्योंकि रिएक्टेंट से वो रिजेंबल करेगा ना, रिलेट करेगा ट्रांजिशन स्टेट. इसलिए यहाँ पे रिएक्टेंट कौन है, एल्केन और क्लोरीन एटम. देयर इज लिटिल रेडिकल कैरेक्टर ऑन कार्बन इन ट्रांजिशन स्टेट, और यहाँ पर लिटिल रेडिकल कैरेक्टर होता है कार्बन में ट्रांजिशन स्टेट में.
रेडियोसेल एक्टिविटी इज़ ओनली स्लाइटली इन्फ्लुएंस्ड बाय रेडिकल स्टेबिलिटी. रेडियोसेल एक्टिविटी जो रहती है वो इन्फ्लुएंस्ड होती है रेडिकल स्टेबिलिटी से, मींस रेडिकल की स्टेबिलिटी के लिए. रेडियोसेल एक्टिविटी क्या होता है, मींस दो पोजीशन होते हैं हमारे पास अटैक करने के लिए, तो किसी भी एक पोजीशन पर अटैक होता है, ठीक है, तो उसी को रेडियोसेल एक्टिविटी बोलते हैं. मीन्स उसका रीज़न को डिसाइड करना कि किस रीजन में, कौन से रीजन में उसको अटैक करवाना है, ठीक है, तो वो क्या होती है, वो स्लाइटली इन्फ्लुएंस्ड होती है रेडिकल स्टेबिलिटी से. तो ये चीज़ जो रहता है ये किसके लिए है, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्लोरीनेशन, मतलब क्लोरीनेशन के लिए जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है उसके लिए ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो गिवन हैं. सिमिलरली जैसे क्लोरीनेशन के लिए दिया है वैसे यहाँ पे ब्रोमिनेशन के लिए दिया है, बिकॉज हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन फॉर ब्रोमिनेशन इज एंडोथर्मिक. तो जैसे कि पहले भी पढ़े हैं कि ब्रोमीन के लिए क्या होगा, हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन जो है वो एंडोथर्मिक होगा, तो उसमें क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं, तो क्या हो सकते हैं, एंडोथर्मिक है मीन्स एनर्जी जो है वो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, बॉन्ड जो है वो ब्रेक होगा, और ट्रांजिशन स्टेट का स्ट्रक्चर जो है वो रिजेंबल करेगा प्रोडक्ट से. तो इसमें यहाँ पर भी कुछ पॉइंट्स गिवन है जिसको हम अंडरस्टैंड करेंगे. दी ट्रांजिशन स्टेट रिजेंबल एन एल्किल रेडिकल एन HBr, ठीक है, वही चीज़ बोल रहा है कि ट्रांजिशन स्टेट का स्ट्रक्चर जो है वो रिजेंबल करेगा किससे, एल्किल रेडिकल या एंड HBr से, जो कि हमारा क्या प्रोडक्ट है. देयर इज सिग्निफिकेंट रेडिकल कैरेक्टर ऑन कार्बन इन दी ट्रांजिशन स्टेट. जैसे कि ब्रोमिनेशन में था वैसे ही यहाँ पर क्या है, जैसे क्लोरीनेशन में था वैसे ही यहाँ पर ब्रोमिनेशन में भी दिया है, वहाँ पर क्या था स्लाइटली कुछ ही रेडिकल कैरेक्टर थे कार्बन पे, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा मीन्स काफ़ी रेडिकल कैरेक्टर होता है कार्बन पे ट्रांजिशन स्टेट में. रेडियोसेल एक्टिविटी इज़ ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय रेडिकल स्टेबिलिटी, ठीक, वहाँ क्लोरीनेशन जो दिया तो उसमें क्या होता है, रेडिकल स्टेबिलिटी से थोड़ा ही इन्फ्लुएंस्ड होता है रेडियोसेल एक्टिविटी, लेकिन यहाँ पर उसका काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होता है. रेडिकल स्टेबिलिटी इज़ 3 डिग्री, इज़ ग्रेटर दैन 2 डिग्री, इज़ ग्रेटर दैन 1 डिग्री, इज़ ग्रेटर दैन मेथिल, एंड रेडियोसेल एक्टिविटी इज़ इन द सेम ऑर्डर. रेडिकल स्टेबिलिटी का ऑर्डर जो रहेगा वो ये रहेगा, मीन्स टर्शरी जो रहेगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा, टर्शरी रेडिकल ज़्यादा स्टेबल होगा, फिर सेकेंडरी, फिर वहाँ पर देगा प्राइमरी, फिर उसके बाद मिथिल. वैसे और यही सेम ऑर्डर जो रहता है वो रेडियो सेलेक्टिविटी के लिए रहता है, ब्रोमिनेशन के लिए, हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन जब ब्रोमिनेशन में होता है तो उसके लिए. तो ये इम्प्लीकेशंस था, मीन्स ये फैक्टर था हैमन पॉस्टुलेट का, जो कि किस पे अफेक्ट करता है, क्लोरीन पे और ब्रोमीन पे. क्लोरीन का वहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजनेशन होता है, और ब्रोमीन में वहाँ पे हाइड्रोजनेशन होता है, दोनों में एल्केन का, तो दोनों में हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन होगा, तो क्लोरीनेशन में क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, और ब्रोमिनेशन में एंडोथर्मिक रिएक्शन. इसी को डिटेल जो था ये दोनों टेबल जो दिया है इसमें दिया हुआ है. जैसे सेम क्लोरीन के लिए दिया था वैसे ही सेम जो होगा वो ब्रोमीन के लिए होता है. सेलेक्टिविटी ऑफ हैलोजिनेशन रिएक्शन, मीन्स हैलोजिनेशन रिएक्शन अगर कहाँ पर कहीं पर कराना है तो उसके लिए सेलेक्शन अगर हमको करना है कि किसका कराना है, मीन्स प्राइमरी का कराना है कि टर्शरी का कराना है, क्लोरीनेशन कराना है कि ब्रोमिनेशन कराना है, तो उसके लिए सेलेक्टिविटी मीन्स किसको हम सेलेक्ट करें, कौन सा प्रेफरेबल होगा, ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे क्या दिया है, दो पॉइंट्स दिए हुए हैं जिसमें फर्स्ट जो है वो क्लोरीनेशन के लिए, सेकेंड जो है वो ब्रोमिनेशन के लिए होता है. तो दोनों में क्लोरीनेशन में भी होता है, ब्रोमिनेशन में भी होता है, लेकिन प्रेफर हमको किसको करना है, तो उसके लिए वहाँ पे क्या दिया है, वेरी स्मॉल एनर्जी डिफरेंस इन ट्रांजिशन स्टेट बिटवीन प्राइमरी एंड टर्शरी क्लोरीनेशन ट्रांजिशन स्टेट नॉन सेलेक्टिव. क्या बोल रहा है यहाँ पर, जो ट्रांजिशन स्टेट होता है प्राइमरी और टर्शरी क्लोरीनेशन ट्रांजिशन स्टेट के बीच में, उसका एनर्जी डिफरेंस जो रहता है वो बहुत कम होता है, इसलिए वो क्या होता है, नॉन सेलेक्टिव होता है, मीन्स उसको हम सेलेक्ट नहीं करते हैं हैलोजिनेशन रिएक्शन के लिए, ठीक है. अगर फिर यहाँ सेकेंड पॉइंट क्या दिया है, लार्जर एनर्जी डिफरेंस इन दी ट्रांजिशन स्टेट बिटवीन प्राइमरी एंड टर्शरी ब्रोमिनेशन ट्रांजिशन स्टेट, तो ये सेलेक्टिव होता है, ठीक. मतलब क्या होगा कि जहाँ पर लार्जर डिफरेंस एनर्जी डिफरेंस होगा प्राइमरी और टर्शरी ब्रोमिनेशन ट्रांजिशन स्टेट के बीच में, वो होगा हमारा सेलेक्टिव, मीन्स क्लोरीनेशन होगा वो नॉन सेलेक्टिव, क्लोरीनेशन में नॉन सेलेक्टिव होगा, और ब्रोमिनेशन में क्या होता है, सेलेक्टिव होता है, मीन्स क्लोरीनेशन हैलोजिनेशन रिएक्शन के लिए नॉन सेलेक्टिव है, और ब्रोमिनेशन जो है वो सेलेक्टिव है. दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि फर्स्ट वाला जो क्लोरीनेशन है उसमें प्राइमरी और टर्शरी क्लोरीनेशन ट्रांजिशन स्टेट के बीच का एनर्जी डिफरेंस जो रहता है वो बहुत कम होता है, और इसमें एनर्जी डिफरेंस जो होता है प्राइमरी और टर्शरी ब्रोमिनेशन ट्रांजिशन स्टेट के बीच का वो ज़्यादा रहता है, इसलिए हम प्रिफर किसको करते हैं, ब्रोमिनेशन को ओवर क्लोरीनेशन.
Hammond postulate for an individual reaction and for series of analogous or related reaction. अभी तक learn किए थे कि Hammond postulate क्या होता है, कैसे होता है, लेकिन अब यहाँ पर देखेंगे एक individual reaction के लिए, means कोई एक single reaction होगा उसके लिए Hammond postulate क्या होगा. तो इसमें दो type से represent किया गया है उसको. वैसे ही series of analogous means related reaction, means कि एक या फिर एक से ज़्यादा अगर reactions होंगे वहाँ पर Hammond postulate जो है वो कैसे work करेगा. तो वहाँ पर भी Hammond postulate जो है वो दो रिएक्शंस के अंडर वर्क करता है. ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट है फॉर एन इंडिविजुअल रिएक्शन. ठीक, तो ये डिवाइडेड है टू टाइप्स में, एंडरगोनिक रिएक्शन और एक एक्सर्गोनिक रिएक्शन. एंडरगोनिक रिएक्शन जो है वो क्या होता है, डेल जी जो है वो ग्रेटर होगा जीरो से, एंड एक्सर्गोनिक में होगा डेल जी जो रहेगा वो स्मॉलर होगा जीरो से. और डेल जी जो रहता है वो क्या होगा, गिब्स फ्री एनर्जी होगा. तब यहाँ पे एंडरगोनिक में डेल जी जो है वो ज़्यादा होगा. क्यों होगा, क्योंकि एंडरगोनिक है तो एंडरगोनिक एंडोजेनिक रिएक्शन बोल सकते हैं इसको. तो यहाँ पर क्या होगा, एनर्जी एब्जॉर्ब होगा, तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगा तो रिक्वायरमेंट एनर्जी की ज़्यादा होगी, इसलिए इसमें डेल जी की वैल्यू जो रहती है वो ज़्यादा होती है. एक्सर्गोनिक में क्या होता है, एनर्जी रिलीज हो रही है, मीन्स वहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इसलिए वहाँ पे डेल जी जो रहता है वो कम रहता है. तो एंडरगोनिक रिएक्शन में क्या होता है, ट्रांजिशन स्टेट इज सिमिलर इन एनर्जी एंड स्ट्रक्चर टू दी प्रोडक्ट. एंडरगोनिक रिएक्शन में क्या होगा कि ट्रांजिशन स्टेट जो रहेगा, ठीक है, स्ट्रक्चर जो रहेगा ट्रांजिशन स्टेट का, उसका एनर्जी और स्ट्रक्चर जो है वो किससे सिमिलर होगा, प्रोडक्ट से सिमिलर होगा. वैसे ही एक्सर्गोनिक रिएक्शन है, इसमें क्या दिया, ट्रांजिशन स्टेट इज सिमिलर इन एनर्जी एंड स्ट्रक्चर टू दी रिएक्टेंट एंड स्टार्टिंग मटेरियल. रिएक्टेंट या फिर स्टार्टिंग मटेरियल दोनों में से किसी चीज़ से भी उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है, तो एक्सर्गोनिक में क्या होगा कि ट्रांजिशन स्टेट का एनर्जी और स्ट्रक्चर जो रहेगा वो किससे सिमिलर होगा, तो वो रिएक्टेंट से सिमिलर होता है. ठीक है, तो एंडरगोनिक रिएक्शन में प्रोडक्ट को रिजेंबल करेगा, प्रोडक्ट से रिलेट होगा, एक्सर्गोनिक में वो रिएक्टेंट से सिमिलर होता है, मीन्स रिएक्टेंट को रिलेट करता है. Hammond postulate for a series of analogous or related reaction. अब यहाँ पे Hammond postulate जो है वो किसके लिए है कि अगर एक या फिर एक से ज़्यादा reactions होंगे, means individual नहीं, series of reaction, उसके लिए है. तो वो भी क्या है, दो टाइप से है, increasingly endergonic reaction, increasingly exergonic reaction. तो increasingly endergonic reaction जो है उसमें क्या है कि transition state जो रहता है वो similar होता है product से, और exergonic reaction में होगा कि transition state जो रहता है वो increasingly similar होता है रिएक्टेंट से. तो जैसे कि इंडिविजुअल था वैसे ही यहाँ पर क्या होगा, एनालॉगस के लिए होगा, लेकिन बस डिफरेंस क्या होता है कि इंक्रीजिंगली सिमिलर होता है प्रोडक्ट से, और यहाँ पर इंक्रीजिंगली सिमिलर होता है रिएक्टेंट से. मींस क्या होगा, कंटिन्यूसली वो इंक्रीज होते जाएगा, वहाँ पे डिक्रीमेंट जो है वो नहीं होगा, कंटिन्यूसली वहाँ पे वो इंक्रीज होते जाएगा. एग्जाम्पल ऑफ Hammond postulate जो कि इंक्लूड करता है ब्रोमिनेशन और क्लोरीनेशन को. ठीक है, तो सबसे फर्स्ट जो है वो क्या दिया है, ब्रोमिनेशन दिया है. तो जब एल्केन जो है उसको रिएक्ट कराते हैं ब्रोमिनेशन के साथ, तब वहाँ पे 3 degree radical, 2 degree radical, 1 degree radical का फॉर्मेशन होता है, HBr जो है वो बाहर निकलता है. उसी को बस रिप्रेजेंट किया है रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम से. तो सबसे फर्स्ट जो है वहाँ पे किसका फॉर्मेशन होता है, 3 degree का, फिर 2 degree का, फिर 1 degree का होता है. ठीक है, सेम वैसे यहाँ पे क्या दिया है, क्लोरीनेशन के लिए दिया है. तो क्लोरीनेशन में भी क्या होता है कि एल्केन जो है उसको रिएक्ट कराते हैं क्लोरीन के साथ, तब वहाँ पे भी 3 degree, 2 degree, 1 degree का फॉर्मेशन होता है. यहाँ पर सबसे पहले फॉर्मेशन होता है किसका, 3 degree का, 2 degree का, 1 degree का, सिमिलर होता है. बस दोनों में डिफरेंस क्या होता है, वहाँ पे ब्रोमिनेशन है तो वहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट जो रहता है वो क्या करता है, रिजेंबल करता है प्रोडक्ट से, और यहाँ पर क्लोरीनेशन होता है तो ट्रांजिशन स्टेट जो है वो रिजेंबल करता है रिएक्टेंट से. यही दोनों में बस डिफरेंस है, और यही जो है वो Hammond postulate जो है वो स्टेट करता है. Hammond postulate summary. Hammond postulate जो है वो ये बताता है कि ट्रांजिशन स्टेट रिजेंबल हायर एनर्जी कॉम्पोनेंट ऑफ रिएक्शन, ब्रोमिनेशन ऑफ एल्केन इज सेलेक्टिव वाइल क्लोरीनेशन इज नॉट. ठीक है, तो Hammond postulate जो है वो ओवरऑल क्या बताता है कि ट्रांजिशन स्टेट का स्ट्रक्चर जो है वो किससे रिलेट करेगा. तो किसी भी रिएक्शन में अगर कोई कॉम्पोनेंट प्रेजेंट है उसकी एनर्जी अगर ज़्यादा रहेगी तब वहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट जो रहता है उसके साथ रिजेंबल करेगा. ठीक है, और फिर सेकेंड पॉइंट क्या बताता है कि एल्केन का ब्रोमिनेशन जो रहता है वो सेलेक्टिव होता है, लेकिन क्लोरीनेशन जो है वो सेलेक्टिव नहीं होता है. यही जो है स्टेट करता है Hammond postulate. हियर द टॉपिक Hammond postulate इज कम्प्लीट विच इज़ टेकन फ्रॉम फिजिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री MSc 3rd semester. इफ़ anyone हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन. थैंक यू.